अब तक रहता था मैं शान, अंदर पल रहा था तूफान, बच के रहना मेरी जान, होने वाला है अब कान और है जगाया तूने आज, सबका होगा सर्वनाश, आगे होता है क्या देख, अब बस होगा तांडव नाच। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और कगामी वहाँ पे आ जाता है, वो कहता है तुम लुका हो, फिर हैरान हो जाता है कि तुम वही कोतारो मेरे स्टूडेंट भी हो, फिर वो हमारी कोतारो जो कहती है कि तुम हमारे टीचर हो द फर्स्ट जो गेम वाले, फिर वो कहता है कि फर्स्ट राउंड के बारे में सोचा, अब धक क्या हो गया, कगामी गुस्सा होने लग जाता है, बोलता क्या करूँ मेरे टीम में अभी भी एक बंदा कम पड़ रहा है, वॉर इवेंट कैसे पूरा होगा, खाली कोतारो को समझ नहीं आता मतलब क्या बात है, अगर मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना मैं जा रहा हूँ, फिर वो कहता है रुको रुको एक चीज़ बताता मैं भूल गया, उसे पकड़ता है बोलता है कि देखो जब तक मैं जा रहा हूँ ना बाकी जितने बंदे सबको ट्रेनिंग देनी है तुमको, और पूरी क्लास वहाँ पे आई होती है गेम के अंदर, फिर वहाँ पे हमारा कगामी जा रहा होता है, मैं किसको बुलाऊँ कौन इवेंट के अंदर ज्वाइन करेगा, एक प्लेयर की कमी पड़ रही है मैं किसको ढूंढूँ, वो चल रहा होता है कहता अच्छा मेरे को पता है कौन एक पर्सन बाकी है लेफ्ट मतलब बचा हुआ है, और गेम के अंदर दिखाया जाता है वहाँ पे हमारी कोतारो सबको ट्रेनिंग दे रही होती है, वो बोलते हैं कि वहाँ पे हमारी वो जो की किरो रहती है वो कहती है बहुत ताकतवर है, लुका कहती है देखो तुमको ऐसा अटैक करना चाहिए जिससे तुमको डैमेज ना पड़े और तुमको अपना एडवांस करना चाहिए, अपनी ना स्पेशल स्किल भी बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे सुजु ने कहते हैं कि भाई आप बहुत बढ़िया हो, आप मेरे उनकी ब्रदर से कैसे मिली बताओ, वो पागल से गधे से ऐसा गधा उनकी मेरा भाई है, वो कहता है ऐसी बात नहीं है वो बहुत मदद करता है हमारी, जो कोतारो बताती है कि ना मेरे साथ ही रहा है वो, मैं एक साल तक गेम खेलूँ, फिर वो बोलता नहीं मेरे भाई ऐसा तो नहीं है, तुम अलग बता रहे हो, वो मैच्योर बिल्कुल नहीं, उसे बिल्कुल बच्चों बचकानी उसे गेम वेम ये फलकान दिखाना ये बात करते पहली बार, फिर हमारी कोतारो बताती है पहली बार जब मैं मिली मैं बहुत उदास थी, उसने फिर वही सोच रही होती है, फिर वो बोलते हैं कि सुनो ऐसे किसी के ना बारे में नहीं पूछना चाहिए, ऑनलाइन गेम है ऑनलाइन ऑनलाइन होना चाहिए ऑफलाइन नहीं जोड़ना चाहिए, फिर वो माफ़ी मांगती सुजु ने, बोलते कि मुझे माफ़ करो, फिर वहाँ पे हमारी कनाको भी कहते हैं कि बहुत बढ़िया आके आप तुम्हारे पर ड्रेस बहुत क्यूट है, किरिको भी कहती है क्या हमें कैसे मिलेगी, वो शुक्रिया बोलती है, बोलते कि हमको भी चाहिए, किरिको पूछते कहाँ से तुम मिली है, हाँ हाँ सारे लोग बोलते कि हाँ यार हमको भी चाहिए, साइची को भी बोलते सब लोग एक पहन लेते अवतार बना के, और वहाँ बहुत इन्जॉय करते हैं, अलग अलग चीज़ उसे सिखाती है हमारी कोतारो, और शाम हो जाती है ऐसी देखते देखते, और ना यहाँ का टाइम बढ़ जाता है, सब बोलते हैं शुक्रिया आज का दिन बहुत बढ़िया रहा तुम्हारे साथ, तुमने हमारी एक दिन में इतनी इंप्रूवमेंट कर दी, सुजुने बोलते हैं कि फिर आना कल कल तुम्हारे से इंतजार करेंगे लुका, और वो हाथ मिलाते लुका उसका गेम का नाम रहता है, तो कोतारो बोलते हैं कि ठीक है मैं आऊँगी, वो हमारी जो कनाको रहती है बोलते कि अरे हम तो जीत ही जाएंगे ऐसे तो तुमने ट्रेनिंग कराई तो, और भी स्टूडेंट बोलते हैं हाँ चलो मेरे को भी हाथ मिलाना है हमसे भी हाथ मिलाओ, और सारे लोग एक घेर लेते हैं वहाँ पे कोतारो को, और रात हो जाती है, देखिए अगले दिन देखिए स्कूल के अंदर छुट्टी का टाइम दिखाते हैं जहाँ पे सारे लोग जा रहे होते हैं हमारे कैरेक्टर्स, वहाँ पे कगामी आते हैं, मतलब तुमने बहुत मेहनत करी, सुजु ने बताती कि हाँ हमारे साथ लुका थी, फिर वहाँ पे ना आ जाती है श्री साची को जो मांगा आर्टिस्ट रहती है वो बाल वाली, वो कहते हैं कि देखो तुम किससे मिलने गए थे, कौन है हमारे प्लेयर, तुम कोतारो कारी से मिलने गए थे ना उस दिन, वो लड़की उसे वो लड़के से उसे याद आता हाँ कल तुम्हें मिला था, ओके हाँ यार मैंने उससे बात नहीं करी, कगामी बताता है वो पूछता है हाँ अकारी हाँ तुमको पता है ना साची को, मुझे वो जो नाम ही रहता है ह्यूमन साइबर, और कहते हैं हाँ मेरे को पता है उस बंदे के बारे में, उसके मैं उसके क्या करूँ उसके बारे में, उस बार आया था बस तुम्हें क्या मतलब, पटाटो गल उससे पूछती है हमारे मेट्स मतलब कि किरिको से, वो देखिए देखो मेरे को एक्चुअली उसके बारे में इतना तो पता नहीं, हम सब एक ही क्लास में तो थे नहीं, तो मैं थोड़ा बहुत ही उसके बारे में जान पाई, देखिए उसके बारे में एक रूमर था अफवाह फैली हुई थी, वो कगामी मतलब कि अफवाह उसने एक बंदे का अपने टीम मतलब कि क्लासमेट का पैर तोड़ दिया था, तो वो था कि बातें कम और गेम में, अगले दिन का टीम आता है सारे लोग वहाँ पे गेम खेलने चले जाते हैं, गेम में लॉगिंग मार लेते हैं और ना सब आ जाते हैं, वहाँ पे कगामी भी रहता है, वो अपने टीम को रख देता है दी फर्स्ट, और वहाँ पे हो जाते हैं बोलते कि हमने 23 प्लेयर को रजिस्टर कर दिया, चलो ये बैटल ऑफ यूरो हमारे हाथ में, वहाँ पे एक बड़ा सा ड्रैगन आता है वहाँ पे एक प्लेयर कूदती है, सब लोग हैरान कि कोई कुछ गिरा आसमान से, ड्रैगन नीचे आता है, बोलते क्या ड्रैगन, वहाँ पे वो क्रिको बोलती है, और वो वहाँ से एक बंदे ही निकलते मतलब कि एक प्लेयर निकलती है, वो देख क्या हाँ तुम कि तुम कैसे हो सकती हो, ये कैसे हो सकता है, और ये वो मिनाको होती है वो, फिर वो बोलते मिनाको यार तुमने कैसे कपड़ा पहनाया मेरे को, कगामी बोलता है कि ऐसी बात नहीं है हमको स्कूल के मतलब बारे में एक लेक्चर बता रहा हूँ, फिर मिनाको बोलते तुम मेरे पर ध्यान नहीं दे रहे तुमने मेरे को ऐसा ड्रेस क्यों पहनाया, सारे लोग रेडी रहते हैं, उसे ना पीट देती है मिनाको, और फिर उसे पास्ट का सीन दिखाया जाता है पहले का जहाँ पे ना कगामी भाग रहा होता है, कगामी सेंस हमारे वो देखता है वहाँ पे कोई है लुका, लुका के घर के पास, तो लुका भागने लग जाती है मतलब कि भागने लग जाता है, लड़का रहता है ना वो खाली उसका ड्रेस रहता है, फिर वो भागने लगे क्योंकि मैं स्टेमिना नहीं रहता तो कमज़ोर सा क्योंकि ना गेम खेलते रहता है, और हमारे जो सेंस है कगामी उसमें भी नहीं रहता,
फिर हमारा सीन दिखाया था बैटल रॉयल का, जिसके अंदर बोलते हैं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम है। सुजुने सबको प्लान बता रहे हैं कि सब अपने अपने लाइफ हेल्थ का ध्यान रखना। वहाँ पे दिखाते हैं ना जो हमारी कगामी रहता है वो थोड़ा पिट जाता है ना, पिटने का थोड़ा अलग बैठा रहता है। वहाँ पे देखो सारे मॉन्स्टर, यहाँ पे हमारे पूरे स्टूडेंट ग्रुप और हमारे लीड कर रहा हूँ हमारे नामी मतलब कि ह्यूमन साइबॉर्ग, बैटल स्टार्ट हो गया और ये पूरा हमला करने लग गए उनको। और ना वहाँ पे दिखाते फिर से पास्ट का, वहाँ पे सुजुने मतलब कि हमारी जो कोतारू रहता है ऊपर, वो ऊपर आता है, वो बोलता है मिस्टर कगामी सेंसे, वो अपना हटाता है हेड, वो बोलता है सुनो ये पहली बार हमारे रियल लाइफ में मीटा है अच्छे तरीके से। और वो बोलते क्या मतलब तुम्हारा, बोलता है कि ना मेरी जो मम्मी है मदर ने बता रखा कि मैं एक प्रॉब्लम चल लूँ, देखिए अजीब ही हूँ समस्या, देखो मैं लड़का हूँ पहली बात तो ठीक है, खाली मेरे को ना क्यूट कि ऐसे लड़कियों के कपड़े और ये सब देख पहनना मेरे को पसंद है मेरे को, खाली मेरी मोम मना करती है और ना खाली मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़िद्दी थी तो इसलिए मैं उसे पहन लेती थी और ऐसे ऐसे धीरे धीरे मेरी ये हॉबी बन जाती है कि अब मेरी ये सीक्रेट हो गई, मैं ये अपनी छुपाने लग गई। और ये बात है मेरे मिडिल स्कूल की, जब मैं स्प्रिंग की बात थी, मेरे को ऐसे भी ये सीक्रेट रखना चाहती थी अपने ये पहनना मतलब कि रखना चाहता था। और ना मेरे को ऐसे सोचता था कि मेरे को पीपल बोले कि मैं क्यूट हूँ ये हूँ अच्छा लगे ठीक है, इसलिए मैं पहनता था। फिर वो बाहर जाता है, खाली ना मेरे स्कूल के जो कुछ स्टूडेंट है मेरे को परेशान कर रहे थे, मैंने तो बस हल्का सा उसका हाथ हटाया था, वो सीढ़ी से गिर के उसका पैर टूट गया और मैं उसे मिलने भी गया था। और वो बताता है कि ना मेरे को माफ़ करो, वो कहते क्या मतलब माफ़ कर दो, तुम देखा नहीं तो ये तुमने मेरे साथ किया। और वहाँ के बाकी उसके दोस्त मेरे को हिट करने लग गए, तो तुम बहुत बेकार हो बद्दे, ऐसे कौन सा जीव से रखता है कपड़े पहनता है, लड़का हो के लड़की वाले कपड़ा। फिर वो बताता है ये सब, वो बोलता है कि ना ये मेरे घर मेरे रूम में पड़ा था, मैं बहुत उदास था, मैं वो गेम के अंदर भी उदास ही था, मेरे को मैं कुछ मन नहीं था, मेरा बस एक कुछ नहीं था, मेरे को बहुत कि डिप्रेशन जैसा सा हो गया था, मेरे अच्छे खासे लेवल थे गेम खेलते खेलते, तब भी मेरे को ऑनलाइन फ्रेंड भी नहीं बन रहे थे, मैं बस किसी के साथ नहीं रहना चाहती थी, पर एक दिन तुम मिले, तुम मेरे पार्टनर बने, पहले जो मेरे ऑनलाइन दोस्त बने ऑफलाइन भी भाग गए थे, और मैं क्या तुम्हारे सच में आ सकती हूँ, वो पल वो लम्बे तुम बहुत अच्छे हो थे, तुमने मेरी मदद करी बिना सोचे समझे कि मैं कौन हूँ हमारे फर्स्ट मीट के अंदर। फिर हमने कितना अलग अलग जगह घूमा, कितना एडवेंचर करा, कितने हमला कि मेरे ज़िंदगी का एक लाइफ जैसा पार्ट बन गया। फिर मेरे को पता चला, मेरे क्लासमेट ने पता चला कि मैं गेम खेलता हूँ, पर मेरे को अभी भी वो याद आता है, मैं नहीं चाहता कि ऑनलाइन अभी जो गेम खेल रहे हूँ बच्चे वो भी मेरा ऐसी सीक्रेट पता कर ले और मेरे को ऐसा करे। बोले देखो लुका वो अभी फाइटिंग कर रहा है, अभी गेम खेल रहे वो लाइव है, प्लीज़ उनकी मदद करो, देखो कोई नो डाउट तुमने सिखाया है वो पूरे कर रहे हैं अपना, खाली वो ऐसे नहीं जीत पाएंगे, उसको हमारी और तुम्हारी जोत पड़ेगी, तुम क्या सोचती हो ये क्यों मैं आया हूँ इधर तुम्हारे लिए, नहीं तुम ऐसे तुम मुसीबतों से भागोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, जैसे गेम में किया था वैसे तेरे को रियल लाइफ में, प्लीज़ मेरे साथ चलो। ऐसे कदामी कहता है कोई भी हो तुम, मेरी रियल गेम में भी क्यों ना हो, तुम तो मेरी रियल लाइफ में भी पार्टनर हो, तुम मेरे साथ चलो लुका। फिर वो ऐसे बोलता है कोतारो, यहाँ पे सुजुने बोलते मेरे को जाने दो प्लीज़। फिर वो बोलते कि मेरा क्या होगा, फिर वहाँ पे एक अचानक से लाइट आती है, वहाँ पे गिर सारे मॉन्स्टर को ना एक डिब्बे में पैक हो जाते सारे। फिर वो बोलते सुजुने बोलते क्या चल रहा है, फिर कामी बोलता है माफ़ करो हम लेट तो नहीं हो गए। फिर सारे बोलते अरे आ गए सेंसे आ गए। फिर कोतारो बोलते शुक्रिया मेरे इंतजार करने के लिए, अब मेल को छोड़ो। और पूरे कंडे देती है अटैक अपने मतलब कि मैजिकल वाले, और एक एक करके मॉन्स्टर को मारने लग जाती है। कामी बोलता मेरी बज्जी अब मैं दिखाता हूँ। सुजुने भी तैयार, सब तैयार, सब लोग भी अपने फाइटिंग मूड के अंदर, पूरी क्लास हो जाती है और क्या स्पिरिट हो जाती है ना कि हाँ लड़ेंगे। कगामी बोलती है लास्ट अटैक मेरे तरफ से, और पट 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 बंदे की पूरे को अच्छे से तबाह कर देते हैं वो। फिर लास्ट अटैक अब उसका मैजिकल वॉर विस्ट करके ऐसे, और सारी जगह तबाही मचने लग जाता है कामयाबी का। और धीरे 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 ये विक्ट्री टीम 23 विक्ट्री विनर का आ जाता ऑप्शन, और सारे लोग कामी बोलते हैं ऑल राइट हमने पहली बार जीत लिया है, मतलब कि जो कोई नहीं जीता था। और पूरी क्लास खुशी का मारे, वो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया लुका तुम्हारे भी जैसे ही हुआ है। हाँ सुजन बोलती है हाँ तुम्हारे कनाको, सारी लड़कियाँ घेर लेते लड़के घेर लेते हैं, और वो बोलता है कि शुक्रिया मेरे को पता नहीं था इतना मस्त इतना मज़ेदार गेम खेलने में भी मज़ा आता है। सुजन बोलते हाँ काश हम फिर दोबारा खेल सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ और टाइम मतलब कि करना चाहती हूँ। वो बोलते ठीक है। फिर कोतारो अपने रूम के अंदर बोलते कि मैंने जल्दबाजी में तो ओके बोल दिया पर मेरे को रोकना पड़ेगा, अब मेरे को क्या पता मैं बॉय हूँ लड़की थोड़ी हूँ। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।